नमस्कार, आज हम टेस्टी पनीर मसाला बनाएंगे। इसके लिए ये मैंने एक शिमला मिर्च ली है, इसको महीन काटा है। दो टमाटर हैं, इसकी प्यूरी बना ली है। दो प्याज हैं, महीन महीन काटा है। और ये मटर है, फ्रोजन मटर है। गाजर है एक, पनीर लिया है 200 ग्राम। कसूरी मेथी, हरी धनिया, दो हरी मिर्चें और अदरक। और इसमें हम डालेंगे पाव भाजी मसाला, अलग टेस्ट रहेगा बिल्कुल। नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और जीरा। अब हम बनाना शुरू करेंगे। पैन हमारा गर्म हो गया है, उसमें हम ये एक चम्मच हमने घी डाला है। जीरा डालेंगे, एक चम्मच जीरा है। और अब हम इसमें डाल देंगे प्याज, और इसको हमें गुलाबी होने पर भूनना है। देखिए पनीर को मैं थोड़ा मसाला, नमक डाला हमने, थोड़ी हल्दी डालेंगे, ये लाल मिर्च, और अब ये अदरक है, इसको अदरक को डाल देंगे। और इसे हम इस तरह से मिला करके इसको रख देंगे। इसमें मसाले हमारे अंदर तक ऐड हो जाएंगे, इसका फ्लेवर जो है अदरक का और मिर्च का, सबका अंदर तक हमारे पनीर में आ जाएगा। और अब हम मसाला भूनेंगे। प्याज हमारा भून गया है, और अब हम इसमें डालेंगे मसाले, हल्दी, लाल मिर्च, इसको हमें भूनना है अच्छी तरह से। इस तरह से हमें मसाले हमारे भून गए, और अब हम डालेंगे इसमें गाजर, शिमला मिर्च और ये मटर। इसको हमें 2-3 मिनट चलाना है, इसी तरह से हम भूनेंगे इसको। 2-3 मिनट के बाद फिर हम और सब्जियां ऐड करेंगे। ये सब्जियां भून गई हैं, और अब हम इसमें ये टमाटर की प्यूरी डाल देंगे, और इसके साथ ही हम डालेंगे नमक। मुझे पनीर में नमक डाल चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा नमक डालेंगे। इसमें हरी मिर्च डालेंगे, तो मिला देंगे, और इसको हमें अब ढक देना है, और 2-3 मिनट हम इसको इसी तरह से भूनने देंगे, और तेल छोड़ने तक हम इसको पकाएंगे। अब हम इसे ढक देंगे। ये अब हम इसको देखेंगे, मसाले देखिए हमारे भून गए हैं, ये सब्जियां हमारी। और अब हम इसमें डालेंगे आधी आधा कटोरी पानी डाल देंगे, और इसको हमें थोड़ी देर ऐसी तरह से इसको ढककर पकाएंगे। देखिए ये पाव भाजी मसाला है, इसमें हम ये पाव भाजी मसाला मिलाएंगे। ये कसूरी मेथी ली है, दोनों को मिला करके रख लेंगे, और हमारी जब सब्जी तैयार होगी तो हम इसको ऊपर से डालेंगे। देखिए हमारी पक गई है, मैं पानी डाला था, ये देखिए हमारी तैयार हो गई है। और हम इसमें डालेंगे पनीर, ये देखिए ये पनीर डाल देंगे, और इसको हम 2 मिनट भूनेंगे, क्योंकि इसमें जो अदरक डाला था हमने वो कच्चा ना रहे, इसलिए हमें इसको 2 मिनट पकाना है। देखिए ये कसूरी मेथी और पाव भाजी मसाला डाल दिया, और हम इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। ये देखिए कितनी सुंदर, कितनी बढ़िया सब्जी हमारी बनकर तैयार हुई है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, थोड़ी रसीली करेंगे इसको ग्रेवी। देखिए बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, हल्का रसीला रखेंगे, हल्की ग्रेवी हमारी थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी रहेगी। ये देखिए कितनी बढ़िया हो गई। अब हम इसको 2 मिनट के लिए पकने देंगे।
देखिए हमारी पनीर की पनीर मसाला सब्जी हमारी तैयार हो गई है। इसमें हरी धनिया डाल दी है और इसको देखिए कितनी बढ़िया बन करके तैयार हुई है। और इसको हम गैस बंद कर देंगे और नीचे उतार लेंगे और सर्व करेंगे। देखिए बन करके तैयार है। सर्व करेंगे। हमारा टेस्टी पनीर मसाला सब्जी हमारी बनकर के तैयार है, बहुत ही बढ़िया बनी है। ये देखिए ऊपर से ये धनिया पत्ती से हम इसे गार्निश करेंगे। आप भी बनाइए और कमेंट करिए कि आपको कैसी लगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।